सो वेलकम बैक गाइज। गाइज इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ का जो हिंदी का त्रैमासिक पेपर है 2021 का उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। मतलब गाइज जिससे पहले हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने बताया था कि जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब कि जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पर इसके 90% चांस हैं कि आपको सेम यही पेपर आपके स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा पेपर में हिंदी के पेपर में देखने को मिल जाए। सो गाइज इसी पेपर को आपका मतलब आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए जिसकी 90% चांस है कि सेम पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं, तो इसका उत्तर है औधों को। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड था यहाँ पर, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाली मूर्तिकार का क्या नाम था, तो मोतीलाल नाम था। देन थर्ड क्वेश्चन था इसमें जो आपका जो आने वाला है पेपर में आपके, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। ओके गाइज तो इसका उत्तर है आपका चंदन का। देन गाइज यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शांत रस का स्थाई भाव है तो निर्वेद। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, समास के प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। और निश्चय में कौन कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। सो गाइज अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी क्लासमेट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड गाइज अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान में थे, सेम क्वेश्चन आपको देख सकते हैं पेपर पे, सेम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरदास की मुख्यतः वात्सल रस के कवि हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर आपका, कवि जयशंकर प्रसाद में अपने मन को भंवरे खालिस्तान में आएगा, तो खालिस्तान में लिखना आपको भंवरे के रूप का कह दिया है। सभापति का भाषण अखबारों में छपा था। देन गाइज क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भोलानाथ का वास्तविक नाम तो तारकेश्वर नाथ था। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। और सिक्स क्वेश्चन, प्रतिदिन में तो अव्यवय भाव समास है। और सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, तो संचारी भावों की संख्या 33 है। ओके गाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और उनके आंसर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आपके पेपर में सही जोड़ी देखने को मिलेगी और वो सही जोड़ी कुछ इस टाइप से होगी, तो उसके आंसर आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने गुड़ होगा, तो गुड़ का आंसर होगा चीटी। सेकेंड होगा आपके सामने सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड होगा वो होगा माता का आंचल, तो माता का आंचल से पूजन सहाय है, ठीक है। देन फोर्थ जो है गद्य हमारी, तो गद्य हमारी क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसका आंसर क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। देन इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, देन रस काव्य की, तो रस काव्य की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद। आप एक बार फिर से देख सकते हो ना, सेवक से पूजन सहाय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, आत्मा है और छायावाद है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, इसी में जो आएगा वो होगा सत्य और असत्य। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मकथ कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, है ना। यदि क्वेश्चन आता है आत्मकथ कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इसका उत्तर आपको लगा देना है सत्य। देन गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि आपका आएगा ही आएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो ये क्या है, असत्य, प्रभु मिलन का भाव नहीं होता है। ओके देन गाइस अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें यहीं पर, तो वो है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो इसका उत्तर सत्य असत्य बताना है आपको, तो इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। और सेकेंड का सत्य और फर्स्ट का भी सत्य। ओके देन गाइस अभी आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका फोर्थ है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये पूछा गया है ये सत्य है या असत्य है, तो फोर्थ वाला गाइस ये उत्तर आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो असत्य है क्योंकि एकांकी में आपका 1 अंक होता है। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है गाइस यहाँ पर आपका, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ तो द्विगांगी समास होती है, तो ये गाइस असत्य है, द्विगांगी समास नहीं होती है। ओके अभी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो है आपके एक शब्द में उत्तर के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो अर्जुन था, और गाइस ये थोड़ा कंफर्म नहीं है हमें, आप इसे अपने कॉपी से कंफर्म कर लीजिएगा इसका आंसर जो भी है। ओके गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा कविता में माधव का उपयोग किसके लिए किया है, तो मन के लिए किया है, किसके लिए किया है माधव का उपयोग। देन गाइज इसी में आपका थर्ड है, नाक किसका प्रतीक होता है,
तो उत्तर है नाक मान सम्मान का प्रतीक होता है। ओके देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के तत्व क्या क्या होते हैं? कथा वस्तु होती है, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोप कथन, भाषा शैली, उद्देश्य आदि क्या होते हैं कहानी के तत्व होते हैं। आपको पेपर में सेम देखने के लिए मिल सकता है, फिर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देन गाइस यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 15 भागों में हिंदी आपको जो पद्य साहित्य है विभाजित किया गया है, बिल्कुल कंफर्म आंसर है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, तो वर्णों की सार्थक समूहों को क्या कहते हैं? तो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनका सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा शब्द। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, भोलानाथ के पिता आड्डे की कितनी गोलियां हाँ गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो गाइस इसमें हो जाएगा उत्तर आपका 500। ओके 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। और गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने सारे क्लासमेटों के साथ, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस इसका सॉल्यूशन पार्ट वन, इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 2 और 3 नंबर 4 नंबर के, उसका आंसर हम नेक्स्ट आपको वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।